हेलो दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे टेंस का टॉपिक चल रहा है और इसमें प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद टेंस है हमारे पास्ट का, और पास्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं, इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, एडवर्ब्स है, और किस प्रकार हम इनकी पहचान कर सकते हैं, और डेली रूटीन में पास्ट टेंस का यूज कहाँ कर सकते हैं, इस पे एक वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का ये वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस है कि वाक्य में प्रयुक्त वर्ब यदि पास्ट यानी भूतकाल की हो तो सेंटेंस पास्ट टेंस का होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये दिया हुआ वाक्य जिसमें प्रयुक्त वर्ब है वो भूतकाल की है? तो उसके लिए आपको ध्यान रखनी होती है पहचान, यानी कि वाक्य की पहचान कैसे करें। तो पास्ट टेंस की यही पहचान है कि इसमें ये जो वर्ब दी होती है ना, वो पहले कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी कि जो काम हमें दिया होता है ना, वो हमने पहले कर दिया होता है। जैसे मैंने 10वीं क्लास पास कर ली, इनके पहले काम कंप्लीट हो चुका है, अर्थात ये वाक्य पास्ट टेंस का है। इसमें आपको पास्ट टेंस का फॉर्मूला यूज करना है और वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके चार प्रकार होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये चार प्रकार के होते हैं। वैसे आपको पता है कि सिंपल, कंटिन्यूज, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूज, ये चार प्रकार के इनके टाइप्स होते हैं। चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट या फ्यूचर, कोई भी टेंस हो आपकी, ये चार ही प्रकार होते हैं। अब हमारे पास पहला है कि सिंपल पास्ट टेंस। हमें आज बात करनी है सिंपल पास्ट टेंस के यूज के बारे में, उनके फॉर्मूलाज के बारे में, और उनकी पहचान कैसे हो, इनके बारे में हमें आज बात करनी है। तो पहली बात ये आती है कि हम कैसे पता करें कि ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है। फॉर्मूला बाद में यूज करेंगे, ट्रांसलेट बाद में होगा, पहले हमें पहचान की आवश्यकता होती है। तो आपको एक ट्रिक आजमानी है कि हिंदी वाक्य के अंत में था, थी या थे, यदि तीनों में से कोई भी आपको दिख जाए तो वो वाक्य आपका सिंपल पास्ट का होगा। उसमें आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल पास्ट सिंपल का फॉर्मूला लगाइए और आपका वाक्य ट्रांसलेट हो जाएगा, तो वाक्य पास्ट टेंस का होगा। आपको इन तीनों का ध्यान रखना होता है। अब बात आती है हमारी एडवर्ब्स की, यानी कि हिंदी में हमने वाक्य को पहचान लिया, माना आपकी बात कि हिंदी में आपके वाक्य को पहचान लिया। अब बात आती है इंग्लिश में, आपके एग्जाम में हो सकता है कि वाक्य इंग्लिश में दिया हो और आपको केवल वर्ब पढ़नी हो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका वाक्य कौन से टेंस का है? तब आपको एडवर्ब्स याद करनी होती है। एडवर्ब्स है आपकी यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, वंस, वंस अपॉन ए टाइम, एंड लास्ट प्लस टाइम। यदि लास्ट के बाद कोई भी टाइम दिया हुआ हो तो आपका वाक्य पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो आप इन वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स को याद कर लीजिए और अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की। हमने सभी की हेल्पिंग वर्ब्स आपको बता दी है, और ये पास्ट टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। इसमें सिंगुलर प्लूरल का झंझट ही नहीं है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डिड। ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है आपको इसमें पास्ट में देखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा यूज कर दीजिए डिड है। अब डिड का यूज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में ही होता है। सिंपल सेंटेंसेज में इस हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता, केवल आपको सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती है। तो आपको फॉर्मूला बता दिया जाए, फॉर्मूले दो टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट वी टू, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, कई होते हैं जो V1 ही करते हैं, ये V2 है, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स।
यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और ऑब्जेक्ट करते ही आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव सेंटेंसेज बन जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करनी होती है, जैसे गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव होती है, मेक की होती है मेड। उसी प्रकार आपको ये V2 याद करनी होती है। आप वर्ब को रोज 10 वर्ब्स याद करें ताकि आपको सारी वर्ब्स याद हो जाएं। अब सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1। यहाँ आपको V1 है या V2 है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब ये डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी। आप पूछेंगे कि ये वाक्य पास्ट का कैसे बन गया, इसमें तो V1 आया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि वर्ब होती है डू, वो आपको हेल्पिंग वर्ब बता दी थी प्रेजेंट सिंपल में, और उसकी पास्ट होती है या फिर आप बात करें तो होती है सेकंड फॉर्म होती है, वो होती है डिड। यानी कि डू की सेकंड फॉर्म है डिड। यानी कि हमारे इस नेगेटिव वाक्य में पहले ही V2 आ चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पे V1 यूज किया है। एक वाक्य में दो V2 यूज नहीं करते, इसलिए हमने एक पहले यूज कर ली है, तो वाक्य पास्ट का हो गया ना। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो पहला एग्जाम्पल्स हमारे पास है राम किल्ड रावण, यानी कि राम ने रावण को मारा। तो किल की सेकंड फॉर्म आपके पास आ गई किल, हो गया सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू पिकनिक लास्ट संडे विद माई फैमिली, ये आपका विद माई फैमिली ऑब्जेक्ट है, माई फैमिली वो भी ऑब्जेक्ट है। लास्ट संडे आपकी एडवर्ब्स है, ये अदर्स में है, ये है ऑब्जेक्ट, और आई आपका सब्जेक्ट, और वेंट आपकी गो की सेकंड फॉर्म वेंट, हो गया। थर्ड हमारे पास है माई क्लासमेट्स प्लेड ए फुटबॉल मैच यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे मेरे क्लासमेट्स ने एक फुटबॉल मैच खेला। तो क्लासमेट्स आपको चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, आपका कोई ध्यान नहीं होना चाहिए उन पे। ये प्ले की सेकंड फॉर्म आ गई प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म आ गई, ए फुटबॉल मैच यस्टरडे आ गया। आपको एडवर्ब से पता करके वर्ब बढ़नी होती है। वंस अपॉन ए टाइम, ये आपकी एडवर्ब आ गई, ए लॉयन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, यानी कि एक शेर जंगल में रहता था। आपको पता हो गया लिव की सेकंड फॉर्म आ गई लिव्ड, यदि इतना करें तो फर्स्ट फॉर्म है और डी लगाते ही सेकंड फॉर्म हो गई। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको पास्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टोरी लिखिए, थ्रस्टी क्रो, लॉयन एंड माउस, जो भी आप लिखते हो वो स्टोरीज, उनमें आपको सिंपल पास्ट टेंस का ज़्यादा यूज करना है। आपको पासबुक से एक्सीलेंट से रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार उनकी हिंदी की स्टोरी पढ़ लीजिए और खुद इस टेंस का यूज करके 10 या 15 सेंटेंसेज बनाइए, और एग्जामिनर्स आपके नंबर नहीं काट सकता, वो आपके सेंटेंसेज एकदम राइट होंगे, क्योंकि आपने पास्ट टेंस का इतना अच्छा यूज करके सेंटेंसेज बनाए हैं, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हो गया इसका यूज। थर्ड हमारे पास है एफर्मेटिव सेंटेंसेज। आपको पता ही है एफर्मेटिव सेंटेंसेज में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि V2 यूज करते ही आपका एफर्मेटिव हो जाएगा। तो क्या है, आई ग्रू 10 ट्रीज लास्ट ईयर, एडवर्ब आ गई लास्ट ईयर। ग्रो की आ गई आपकी, ग्रो होती है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म इसकी हो गई ग्रू, या इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। आई पास्ड क्लास 10th लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एडवर्ब आ गई, पास की सेकंड फॉर्म हो गई पास। गांधी जी गेव ए स्पीच ऑन प्रेयर, गिव की सेकंड फॉर्म, शुरुआत में बता दिया था, गिव की सेकंड फॉर्म आ गई गेव, एन स्पीच ऑफ प्रेयर। आपको इनमें सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज की बात कर ली जाए तो नेगेटिव सेंटेंसेज में बस इतना ही होता है, आपको ध्यान रखना एक फॉर्मूला है सिंपल सा। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो क्या ध्यान रखा,
रीड आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट। आपको पता है कि नोट कितने नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे नोट आ गया, और नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया। इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता ली, और हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है, और नोट के बाद हमेशा वी वन, इसलिए हमने डिड का यूज किया। सिंपल सेंटेंसेज में कोई डिड का यूज नहीं है। अब क्या है? राम डिड नोट रीड ए बुक लास्ट नाइट, यानी कि राम सब्जेक्ट, डिड नोट आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, और रीड इसकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तीनों वर्ब्स एक जैसी होती है तीनों फॉर्म। ए बुक ऑब्जेक्ट लास्ट नाइट आपकी एडवर्ब। ही डिड नोट आ गया, कट फर्स्ट फॉर्म, द ट्री लास्ट संडे एडवर्ब आ गई। वी डिड नोट हेल्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, एगो, एगो आपकी एडवर्ब है। हेल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है होल्ड, आपको पता ही होगा। डिड नोट के बाद हमेशा वी वन आ गई, तो आपके पास्ट का नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव की बात कर ली जाए, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिंपल फार्मूला है, आपको पता ही होगा। डिड को हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? डिड है, और सब्जेक्ट आ गया, वी वन आ गई, ऑब्जेक्ट और अदर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा आता ही है। डिड वाल्मीकि राइट रामायण, यानी कि डिड पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट फॉर्म, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकेंड फॉर्म होती है, रोट सेकेंड फॉर्म होती है, और रामायण क्वेश्चन मार्क। डिड ही पास क्लास टेंथ लास्ट ईयर, तो पास की सेकेंड फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों वाक्य जो दिए हुए हैं ना, इनमें मिसप्रिंट हो गया है, फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म होगी, तब आपका वाक्य सेंटेंस ये है, डिड ही पास क्लास टेंथ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एडवर्ब है। डिड आई वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारी डिड आ गया ना, डिड के बाद हमेशा वी वन आती है, यहाँ वी वन आएगी पास, और यहाँ भी वर्क पास आएगा। डिड माई टीचर टीच, ये सही है, डिड के बाद वी वन आ गई, माई टीचर टीच मी लास्ट वीक, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, डिड आ जाए वहाँ वी वन लगाना है, वी टू मत लगाइएगा। अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। डिड ये दोनों हैं, डिड आया इंटेरोगेटिव के लिए आपने पढ़ लिया, नेगेटिव के लिए आया नोट आ गया, तो डिड सब्जेक्ट नोट यहाँ क्यों लगाया? आप पूछेंगे यहाँ क्यों नहीं लगा, क्योंकि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और डिड आ जाए तो आपको क्या लगाना है? वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड वी नोट क्लीन द हाउस लास्ट मंडे, लास्ट मंडे क्या है? आपकी एडवर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे नोट, क्लीन फर्स्ट फॉर्म है, वी वन है, ये द हाउस आपका ऑब्जेक्ट और एडवर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड यू नोट वांट टू पास द एग्जाम, तो क्या है? डिड ये आ गई हेल्पिंग वर्ब एच वी, यू सब्जेक्ट है, नोट थर्ड नंबर पे नेगेटिव के लिए आया, वांट फर्स्ट फॉर्म है, टू पास द एग्जाम। अब आप पूछेंगे कि पास क्यों फर्स्ट फॉर्म लगाया, वांट बी फर्स्ट फॉर्म, पास बी फर्स्ट फॉर्म, दो फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाए? तो आपको एक ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल्स आपने आज तक पढ़े होंगे, जितने भी सेंटेंसेज आपने देखे होंगे या पढ़े होंगे आपकी बुक्स में, आपने ये बात कभी देखी है क्या कि टू के बाद हमेशा वी वन आता है, टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी वी टू वी थ्री कुछ नहीं आएगा, टू उसके बाद ग्रामर का रूल है कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज करें। तो आप सेंटेंसेस देख लीजिए बुक्स में, उसके बाद आप देखेंगे स्टोरीज टेंस कहीं भी देख लीजिए, आपको प्लस वी वन ही मिलेगी, टू के बाद हमेशा वी वन ही मिलेगी, वी टू नहीं मिलेगी। तो आप पास्ट की कोई भी स्टोरी बनाएं उसमें इसका यूज करें, और हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके वाक्य में यदि दो वर्ब्स हैं दोनों के बीच टू आना चाहिए, और टू के बाद वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।